नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। सपा ने अपनी राजनीति को बदलते हुए नगर निगम चुनाव में माय की जगह बम कार्ड चला दिया है। अभी तक वो मुस्लिमों का और यादवों को तरजीह देने वाली पार्टी मानी जाती थी, लेकिन महापौर पद पर उसने ब्राह्मण और मुस्लिम प्रत्याशियों पर ज़्यादा दांव लगाया है। अखिलेश यादव ने दो दो दलित और कायस्थ प्रत्याशी उतारकर राजनीति के अपने शतरंजी चालों का भी आभास करा दिया है। वहीं यादव प्रत्याशी ना उतारने के आरोप लगने पर गाजियाबाद में नीलम गर्ग के स्थान पर पूनम यादव को अपना महापौर का पद अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भाजपा और बसपा ने जहां महापौर के अपने 10-10 प्रत्याशी घोषित किए हैं, वहीं सपा ने सभी 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। सपा सामाजिक न्याय पर जोर देती है। एलानिया कहती है कि देश की 60% संपत्ति पर 10% सामान्य वर्ग का कब्जा है। इसके बावजूद टिकट वितरण में उसने अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरा ख्याल रखा है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और मथुरा वृंदावन नगर निगम में महापौर पद के लिए ब्राह्मण प्रत्याशी दिए गए हैं। इनमें से कुछ एक टिकट तो ऐसे हैं जो सिर्फ भावी राजनीतिक संदेश देने के लिए ही दिए गए हैं। मुरादाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद और सहारनपुर में मुस्लिम प्रत्याशी दिए गए हैं। इन नगर निगमों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी होने के कारण राजनीतिक विश्लेषज्ञ भी सपा के वहाँ मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। हालांकि जीत हार तो अन्य समीकरणों पर भी निर्भर करेगी। आगरा और झांसी में दलित प्रत्याशी देकर सपा हाईकमान ने स्पष्ट किया है कि उसकी राजनीतिक बसपा के नज़दीक आने ही नहीं है, बल्कि उसके वोट बैंक माने जाने वाले दलितों को भी अपने साथ लाने की है। आमतौर पर कायस्थ भाजपा के वोट बैंक माने जाते रहे हैं, पर बरेली में राजनीतिक तौर पर अपेक्षाकृत कम पहचाने जाने वाले संजीव सक्सेना को भी टिकट देकर कायस्थ समाज के बीच भी पैठ बनाने का प्रयास किया गया है। प्रयागराज में भी यही प्रयोग किया गया है। इसके अलावा एक एक गुर्जर, कुर्मी और क्षत्रिय प्रत्याशी उतारकर सामाजिक समीकरण साधने का काम भी अखिलेश यादव ने बड़ी होशियारी से कर दी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।